जी शेख, मैं पूछ रही थी कि कुत्ते को मारना कैसा है? जैसे कि हमारे घर तरफ मुर्गियां रखते हैं तो कुत्ते खा जाते हैं, तो कुत्ते को जान से मार देना उसमें क्या होता देखिए, किसी भी जानवर को उसी वक्त मारना जायज है जब वो मूजी जानवर हो, जब वो तकलीफ देने वाला जानवर हो। जैसे कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते काटते हैं, अगर कुत्ता काटने लगा है तो उसको मार देंगे जान से। अगर वो काटता नहीं है, तकलीफ देने वाला कुत्ता नहीं है, तो उसको मारना जायज नहीं है। और यही हुक्म तमाम, यहां तक कि जो जमीन पर रेंगने वाले बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके बारे में भी यही हुक्म है। अगर वो मूजी है, तकलीफ देने वाला है, तो उसको मारना जायज है, वरना बिला जरूरत उसको मारना ये जायज नहीं है। और जी? देखिए, एक बात, इन्होंने कहा कि कुत्ता कोई खाने की चीज होती है तो उसको खा लेता है, तो ये कुत्ते का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। उस खाने की हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कुत्ते के मुंह में अपना हाथ डालें और कहें कि कुत्ता जो है ने काट लिया, तो ये काटने वाला कुत्ता नहीं है। उसके मुंह में हाथ डालेंगे तब तो काटेगा ही, तब वो मौजी नहीं सही, है। तो अब कोई भी खाने पीने की चीज अगर आप खुले में रखेंगे, तो कोई भी जानवर, ये जानवर की फितरत है, वो आकर के खाएगा, ये उसका कसूर नहीं है। अब यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो मौजी जानवर है, अब जी यहां जी पर वो मौजी जानवर नहीं है, यहां पे कसूर आपका है। खाने की हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जी इसीलिए आप जब उस बाब में जाएंगे, फकह के अंदर एक बाब है, जमान का बाब। जैसे किसी का जानवर किसी के खेत में अगर जाकर के चर ले और नुकसान कर दे, तो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? तो यहां जी पे हुक्म ये है, सही हुक्म, कि अगर उस जानवर ने दिन में चरा है, तो जिम्मेदार वो जो खेत वाला है वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि अपने खेत की रखवाली दिन में आपने क्यों नहीं किया? खाली दिन नहीं गिनेंगे। अगर हाँ, रात में जानवर ने चरा है तो जानवर वाला जिम्मेदार होगा। आपने अपने जानवर को जानवर को रात में बांध खोलना जो के। है ये ठीक नहीं है। आप जानवर को रात में क्यों नहीं बांध के रखे? तो अगर आपने खाना जो है खुले में रखा हुआ है तो कुत्ता खा लेगा, ये आपका कसूर है। तो बहरहाल, जी खाना खाने की वजह से उसको मारना ये जायज नहीं है। कुत्ते को मारना उसी वक्त जायज है जब वो मौजी हो, तकलीफ देने वाला हो, काटने वाला हो, तब उसको मारना जायज है।